अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह डिफरेंस निकाल सकते हैं अपना जो पेड वर्जन वाले प्रीमियम थीम्स होते हैं और नल्ट थीम में। हम अपने चलते हैं जो हमने सीरीज शुरू की थी तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट की, इसके अंदर हमें भी पहुंचे थे अपने नल्ट थीम्स वर्सेस प्लगइन्स जो और प्लगइन्स और पेड थीम और प्लगइन्स। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? पेड थीम हमने लास्ट हमारा ट्यूटोरियल आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें कि हमने बताया कि हम अपने मुनासिब चीप रेट के अंदर भी अगर लेना चाहें अपनी जो थीम वगैरह, तो हम किस तरह ले सकते हैं, हाउ टू परचेज प्रीमियम थीम्स एट चीप रेट, ठीक है। आप ये लेक्चर देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फ़र्क इनमें क्या है। पेड में आपने कभी भी नल्ट थीम बाय नहीं करना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेवर बाय नल्ट थीम, ठीक है। आपने अगर अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए अपने पीसी में या अपने होस्टिंग में ले सकते हैं वो थीम जिसके अंदर आप मतलब एडसेंस लगा हुआ है, ठीक है, आपके पेमेंट गेटवेज हैं, ठीक है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट जिस तरह होती है, ठीक है, और आपकी जो है कोई इन्फॉर्म इस तरह की वेबसाइट है जिसमें के पेमेंट के और आपके सिस्टम चल रहे हैं, उसमें आपने नल्ट थीम कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। ये आपके पेमेंट खा सकती है, मसाइल आ सकते हैं, आपके वेबसाइट क्रैश कर सकती है, आपको परेशानी दे सकती है, ठीक है। और आप बहुत से जो होते हैं, आप इतने अपना ब्लॉग बना रहे हैं तो आपका कोई ऐसा क्रैक, इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी जो नल्ट थीम होते हैं ना, ऐसी कोई फाइल वो डाल देते हैं जो कि आने वाले वक्त में वक्ती तौर पर तो नहीं, जब आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है, एक मार्केट में इन हो जाती है, अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है, वहाँ पे परेशानी का सबब देती है, कोई ना कोई मसाइल आ जाते हैं, डी रैंकिंग भी हो जाती है आपकी, आप अच्छे से इंडेक्स नहीं कर पाते अपनी वेबसाइट को, बहुत से मसाइल आ जाते हैं। आपने अगर मार्केट में अपने आपको कम्पीट करना होता है अपने कम्पिटिटर्स के साथ, आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते, उसके लिए हमेशा ऑलवेज, ठीक है, बाय पेड प्रीमियम थीम, ठीक है, आपने वो लेना है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि इससे आपको एडसेंस आपका सेफ रहेगा, ठीक है, और पेमेंट गेटवे भी आपके सही रहेंगे। ठीक है, और जो है ई कॉमर्स में जो इस्तेमाल होते हैं, और आपकी एसईओ की रैंकिंग जो है वो अच्छी रहेगी, बूस्ट रहेगी, ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बहुत से मसाइल आ जाते हैं, आपने कोशिश करनी है इसको, अगर मैं नल्ट थीम को हाईलाइट करूं तो इसको रेड कर देते हैं, और अगर प्रीमियम थीम को मैं हाईलाइट करूं तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ताकि हमें पता हो कि ये क्या काम है। तो ये मेरी सजेशन थी। तो बाकी प्रैक्टिस के लिए करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी प्रीमियम थीम आपने लेना चाहिए इसकी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप ये हम मुनासिब रेट में तकरीबन बहुत ही मुनासिब रेट में आपको थीम प्रीमियम थीम मिल जाएंगे, और आपको मार्केट में भी बंदे मिल जाएंगे। अगर आप मेरे से लेना चाहें आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मुनासिब रेट में ये थीम प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।